सिक्किम एंटी ड्रग्स एक्ट 2006 में संशोधन के जरिए अब से ड्रग्स का सेवन करना कोई अपराध नहीं बल्कि एक बीमारी मानी जाएगी। लेकिन ड्रग्स की तस्करी करने वालों की अब खैर नहीं, क्योंकि इस एक्ट के तहत तस्करों को कड़ी सजा का प्रावधान है। आज सरसा में टेंडोंग लहरम फात महोत्सव में हिस्सा लेते हुए मुख्यमंत्री पवन चामलिंग ने कहा कि हम ड्रग्स का सेवन करने वालों का इलाज करेंगे, लेकिन तस्करों को कड़ी सजा दी जाएगी। अनि अपराधी भयो, अपराधी हो भने त लुका आउँछ नि, बिमारी हो भने त ट्रिटमेन्ट गर्छ होइन। लु हेर्नुहोस् त चामलिङको बुद्धि कसलाई त, बिमारी भयो भने त बेरेजी भएन नि त। अनि बिमारी त लुकाउनु हुँदैन, घाउ लुकायो भनेदेखि के हुन्छ, गाडे पल्टिन्छ, क्यान्सर हुन्छ, मान्छे मर्छ। घाउ लुकाउनु हुँदैन, ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ, घाउ देखाउनुपर्छ, डक्टरमा जानुपर्छ। त्यस्तै ड्रग्स पनि खानु चाहिँ बिमारी हो, अनि बिमारीको दबाई पानी गर्नुपर्छ, डक्टरमा जानुपर्छ, बिमारी देखाउनुपर्छ, अनि जाती हुन्छ। त्यसरी अब चाहिँ हामी सिक्किममा चाहिँ ड्रग्स खानेलाई चाहिँ अपराधी भन्दैनौँ, बिमारी भन्छौँ, र सरकारले अब ट्रिटमेन्ट गर्ने। सिक्किम में ड्रग सेवन को अब कानूनी अपराध नहीं माना जाएगा, इसको एक बीमार के रूप में माना जाएगा और राज्य सरकार इसके लिए एक नए कानून लाने की तैयारी में है और इसकी जानकारी आज राज्य के मुख्यमंत्री पवन चामलिंग ने दी है। विपक्षी पार्टी मिजो नेशनल फ्रंट की युवा इकाई ने कांग्रेस नेत राज्य सरकार से राज्य के विभिन्न सरकारी कॉलेजों में रिक्त 151 पदों को भरने की मांग की है। 832 स्वीकृत पदों में से महज 681 पदों पर नियुक्ति हुई है, जिस वजह से इन कॉलेजों में शिक्षकों की कमी है। MNYF के मुताबिक वर्ष 2017-18 के शैक्षिक वर्ष में मिजोरम के 26 सरकारी कॉलेजों में 14,036 छात्र छात्राओं को दाखिला दिया गया था, लेकिन शिक्षकों की कमी की वजह से छात्र छात्राओं को परेशानी झेलनी पड़ रही है। MNYF के अध्यक्ष लालरेमुआता छांगते ने वर्ल्ड क्लास एजुकेशन के अपने वादे को नहीं निभाने के लिए कांग्रेस सरकार की निंदा की। मछलियों में फॉर्मलिन पाए जाने के बाद 23 जुलाई से ही मेघालय सरकार ने 15 दिन के लिए राज्य में मछलियों के आयात पर बैन लगा दिया था, लेकिन 15 दिन का बैन हटने के बाद भी मछली व्यवसायियों की परेशानी कम नहीं हुई है। राज्य में मछलियों की मांग अधिक होने के बावजूद बड़ा बाजार के मछली बाजार में व्यापारियों की संख्या बेहद कम है, क्योंकि उन्हें बेचने के लिए स्थानीय मछलियां नहीं मिल रही। यही वजह है कि कई व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर दी है। बहुत अफेक्ट हो गया, अभी ये मच्छी नहीं आने का बारे से पूरा एकदम सबको तकलीफ हो रहा है। इसका बोलने से तो अभी पूरा सत्यानाश हो गया, बेचने वाला से लेके दाजू तक और होलसेलर से लेके सब, मतलब सबका प्रॉब्लम में आ गया। अंडरा मच्छी ने ये जो बहुत डाउन है, अभी यूट्यूब बिक्री कितना फायदा है, ऐसा 10 रुपया फायदा हम लोग। फॉर्मेलिन के कारण मेघालय सरकार ने बैन किया आंध्रा और आसाम से आती हुई मछलियाँ। जी हाँ, इसके कारण विक्रेता जो मछली बेच रहे हैं यहाँ पे, वो बहुत परेशान है। शिलोंग से मैं पूर्वाशा भट्टाचार्य, न्यूज 18 आसाम नॉर्थ ईस्ट। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराधों को ध्यान में रखते हुए मेघालय पुलिस ने नॉर्थ ईस्ट नेटवर्क के साथ मिलकर लिंग संवेदनशील पुलिसिंग पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। अक्सर नाबालिगों के साथ यौन उत्पीड़न के ज्यादातर मामलों में उनके निकट संबंधियों का हाथ पाया जाता है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित बाल अधिकार सुरक्षा आयोग की अध्यक्ष मीना खरकोंकर ने ऐसे मामलों को विशेषज्ञता से निपटाने की वकालत की है। मेघालय पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक साल 2017 में बच्चों के खिलाफ अपराधों के 360 मामले और महिलाओं के खिलाफ अपराधों के 594 मामले दर्ज हुए। Sad to think like where we as a society are heading, where we do not have any compassion, we do not have any sentiments for our children, for our women. So, you know, as police officers also, it's not only that you get this practical training. Practical training is one side, but the main training is, you know, that sensitiveness that you can afford to give to people who approach you.